Hey guys, what's up? मेरा नाम है धैर्य और आप देख रहे हो मेरे vlogs and welcome back to my YouTube channel. और दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला GTA 5 के 5 फैक्ट्स के बारे में. और तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले GTA 5 के 5 फैक्ट्स जो कि पूरा असली में है. मैंने असली में चेकआउट किया गूगल से और ये सब गूगल में मुझे पता चला है और आधा तो 2 या 3 फैक्ट मुझे पहले ही से पता थे. तो आप शुरू पर उसके पहले शुरू करते हैं इसका व्लॉग. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो शुरू करते हैं इसका व्लॉग इन 3 2 1 एंड गो. तो दोस्तों आज के GTA 5 के एक मिनट गाइस कुर्सी आगे कर लेना. सो हाँ गाइस, सो आज का GTA 5 का पहला फैक्ट है कैमरा मैन. हाँ सो दोस्तों GTA 5 का जो पहला फैक्ट है वो है कि जब आप लोग ने वो नोटिस किया होगा कि जब माइकल और फ्रैंकलिन और ट्रेवर जब सोने जाते हैं, मतलब अगर आपको वो टाइम स्किप करना है, मतलब अगर आपको मतलब बारिश हो रही है और रात हो रही है और अगर आपको सुबह करनी हो तो आप लोग जाके बेड में जाके फ्रैंकलिन और ट्रेवर तीनों कैरेक्टर को सुला देते हो. तो दोस्तों आप लोग ने नोटिस की होगी या नहीं की होगी मुझे नहीं पता, पर मैंने नोटिस किया कि माइकल जब सोता है तो वो फिर 6 घंटे के बाद उठता है. जैसे कि माइकल 6 घंटे के बाद उठता है, जैसे कि हम लोग जैसे अभी 11-12 बजे हम लोग सोए तो 10 बजे या 11 बजे उठ जाएंगे, वो आपकी मर्जी. तो वो भी उन लोग के हिसाब से वो लोग सो जाते हैं. तो माइकल उठता है 6 घंटे के बाद, ट्रेवर उठता है 12 घंटे के बाद और फ्रैंकलिन उठता है लगभग 8 घंटे के बाद. ही फ्रैंकलिन उठता है. सो दोस्तों यही था GTA 5 का पहला फैक्ट. अब बढ़ते दूसरे फैक्ट के बारे में. तो दोस्तों दूसरा फैक्ट ये है कि आप लोग ने नोटिस किया होगा कि जब असली में जब अगर कोई माइकल को इस वाले साइड जाने की लेफ्ट वाले साइड से बात करता है तो माइकल पूरा घूम के उससे बात करता है, आपने देखा होगा. क्योंकि वो असली में जो माइकल जो है असली में जो कैरेक्टर उसका कान में थोड़ा दिक्कत है थोड़ा सुनने में लेफ्ट वाले कान में, तो ऐसे यू करके ऐसे बात करता है. आप लोग ने ये गेम में नोटिस किया होगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर असली लाइफ में माइकल जो भी है उसका असली नाम नहीं पता मालूम नहीं है उनका असली नाम जो भी माइकल है, पर हाँ वो असली में है. सो हाँ गाइज, आप लोग ने वो नोटिस नहीं किया होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपको ये वाला 2 फैक्ट्स पता थे या नहीं, और जो भी फैक्ट्स मैं 3 और बताने वाला हूँ वो भी आपको पता हो गया कि या नहीं. सो दोस्तों अब बढ़ते अगले वाले फैक्ट पर. तो दोस्तों अगले वाला फैक्ट है आप लोग ने एक बंदा है, मैंने अभी गूगल से चेकआउट किया, एक बंदा है जिसने पूरे गेम जाने जैसे कि GTA 5 पूरा जो गेम है वो उसके जो साइड मिशन जैसे कि स्ट्रेंजर्स एंड फ्रीक्स जो भी सारे ट्रेवर माइकल और फ्रैंकलिन के जो भी मिशन थे साइड वाले जैसे स्ट्रेंजर्स एंड फ्रीक्स और पूरी जो गेम पूरी स्टोरी मोड थी स्टोरी लाइन वो पूरी 10 घंटे और 48 मिनट्स में कंप्लीट किया उसने गेम. और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैंने गूगल से चेकआउट किया, उसका नाम याद नहीं है, नाम तो गूगल ने बताया नहीं, पर हाँ इतना मालूम है कि उसने 10 घंटे में किया है पूरा फिनिश 10 घंटे और 48 मिनट्स. तो दोस्तों अगर आपको ये वाला फैक्ट्स के बारे में पता था तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बताना. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से जाके लाइक कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब मार के बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके. सो दोस्तों अब बढ़ते अगले फैक्ट की तरफ. और दोस्तों मैं फैक्ट्स वापस रिपीट कर देता हूँ. तो पहला फैक्ट था जो सोने का, मतलब सोने और उठने का, और दूसरा था माइकल के कान के बारे में, तीसरा था जो अभी मैंने बताया नहीं ना, हाँ तीसरा यही था वर्ल्ड रिकॉर्ड का. आप बढ़ते चौथे वाले फैक्ट में ना, हाँ चौथे वाले फैक्ट. तो दोस्तों GTA 5 एक ऐसा गेम है जिसने पूरे वर्ल्ड में मतलब जब ये लॉन्च हुआ इसके डेट वो उसकी तभी सीरीज मतलब क्या बोलूँ
उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया लोग ने सेल होने का, मतलब जैसे ही वो लॉन्च हुई और सारे लोग उसको खरीदने लगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जब हम GTA 5 शायद 2015 या 10 या कुछ तो में रिलीज हुआ है, याद मुझे नहीं है, तो तभी जब इसका लॉन्च डेट हुआ था तब वो सेल कर रहे थे, तब उसका हाईएस्ट प्राइस में मतलब हाईएस्ट लोग GTA 5 ही खरीद रहे थे उसी टाइम पे, और अभी भी यही चलता रहा है कि GTA 5 लोग खरीद रहे। तो दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर गेम खेल बोल सकते हो आप, और YouTube चैनल में भी GTA 5 के बारे में बहुत ही सारे वीडियोस आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही सारे लोग, और मेरा भी एक चैनल है DPGamerTwo जिसमें आप देख रहे हो, उसमें मैं भी GTA 5 के वीडियोस डालता हूँ, क्योंकि GTA 5 पूरा ऐसा पॉपुलर गेम है और बहुत ही अच्छा गेम है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइस अब बढ़ते हैं अगले वाले फैक्ट पे, पर हाँ मुझे ये बात नहीं समझ में आई, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि GTA 6 जो कि इस साल या अगले साल आने वाली है वो इस रिकॉर्ड को क्रॉस कर पाएगी या नहीं, आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब बढ़ते अगले फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों अगला फैक्ट है, आप लोग ने देखा होगा नोटिस किया होगा कि GTA 5 का जो लोगो है वो एक नोट से, मतलब वो एक नोट है इजिप्शियन किसी का तो है नोट, याद नहीं है मुझे शहर से, तो इजिप्ट का है, हाँ इजिप्ट का जो नोट है पहले के ज़माने में, वो जब 5 का नोट था उसका, वो जो 5 का सिंबल है GTA 5 का लोगो, और वो उससे मिला हुआ है। आप लोग ने वो नोटिस नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से जाके गूगल में चेक कर लो, वो ऐसा ही है, नोटिस किया कर लो गूगल में जाके चेक कर लो, और उसका जो लोगो है 5 जो लिखा था है वो इजिप्शियन पाउंड्स का या 5 का है नोट है। तो दोस्तों यही था ये GTA 5 के 5 फैक्ट्स और शॉकिंग फैक्ट्स, आपको जो शॉक कर दे और आपके बाल उछाल दे, ऐसे नहीं, मैंने अभी बाल कट किया है तो अभी इतना नहीं उछलेगा, जब देख सकते हो बहुत ही गंदा कट किया है पर तो भी ठीक ठाक है। चलो तो गाइस इस वीडियो में इतना रखते हैं, मुझे बस कई फैक्ट्स शेयर करने दें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब मार के बेल आइकन दबा देना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, मैं इस वीडियो के लिए एम कर रहा हूँ ओनली 50 लाइक्स के बारे में, 50 लाइक्स, हाँ 50 लाइक्स या 20 लाइक्स करवा दो मुझे चलेगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो में, गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो बाय बाय बाय, मिलता है अगली वीडियो में वो भी GTA 5 के वीडियो के साथ। या आपको FIFA 19 का या FIFA 18 का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, गरीना का फ्री फायर का वीडियो तो आप लोग बता देना, ज़्यादा कमेंट जिसके आएंगे मैं उसी गेम खेलूँगा कल, ठीक है, बाय बाय।